रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रेप क्लास की इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 9 पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 9 में है, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ आ और एन। आ और एन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है और एन हमेशा वॉवल साउंड के साथ आता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो इसके फुल सेंटेंस लिखना है, इसकी स्पेस कम है, इसको आप छोटा छोटा करके लिखेंगे ना तो फिर ये पूरा आ जाएगा इसके ऊपर। और प्लीज़ इसको बहुत प्यारा सा लिखिएगा, आई टी एच, इट इज, इट इज आ बैड। यहाँ पे हमने आ क्यों लगाया है? क्योंकि बैड जो है वो वॉवल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, ब से स्टार्ट हो रहा है और ब कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इट इज़ अ नेस्ट, ये नेस्ट है ना, और इट इज़ अ नेस्ट। यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया है? क्योंकि नेस्ट कॉन्सोनेंट साउंड है से स्टार्ट हो रहा है, एन एन जो है न कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर आ लगाया, इट इज़ आ नेस्ट। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट करते हैं, इट इज़ आई टी एच, आई एस इज, इट इज़ अ बेल, बी ई डबल एल बेल। और ये एक चूँकि एक फुल सेंटेंस है इसलिए आप इसके एंड में फुल स्टॉप भी लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गए सारे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स, इसलिए इनके साथ आ लगाए। अब हम एक इसका भी देख लेते हैं, ये इट इज़ एन एंड, इट इज़, और सॉरी उससे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप सही कर लेते हैं इरेज करके, आई टी इट इज एन एंड, ए एन टी एंड। इसी तरह से आप अपनी मामा के पास बैठकर ये सारा पेज कर, इट इज़ अ ब्रश, यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज़ अ ब्रश, इट इज़ अ नेट, यहाँ लिखेंगे इट इज़ एन एंड, इट इज़ अ कैप, इट इज़ अ हैट, इट इज़ अ लैडर, इट इज़ एन एग, इट इज़ अ लिड, इट इज़ एन एरो। यहाँ तक आप इसी तरह से तमाम लाइंस अपनी मामा के पास बैठकर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। आज है हमारा कॉपी का पेज नंबर 25 और उसमें लेटर है हमारे पास सी। सी बिल्कुल 3 लाइंस के अंदर प्रॉपर तरीके से आपने बनाना है और इसकी साउंड है ख। ये मेरे से तो थोड़ा सा नीचे आ गया, वैसे आप कोशिश किया करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही लिखें। आज तो मैंने बिल्कुल आपकी तरह काम किया, रेस किया, ख और ख से क्या बनता है? ख फॉर खैट एंड ख फॉर खाओ, सी ओ डब्ल्यू, ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 लाइंस में, ये सी जो है ना वो 3 लाइंस ऊपर वाली 3 लाइंस में होता है, ये स्काई लेटर है और ये जो है इसका बेबी और इसकी जो साउंड है वो है ख, ख खैट और ख खाओ, सी ए टी कैट। ये स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए, मेक वर्ड्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स हैं। अब इससे मज़ीद ईजी जो हैं वो क्या होंगे, ये 3 लेटर वर्ड हैं, ये ऑलरेडी ही मेरा ख्याल है आपको आते होंगे। और पेज नंबर 25 पे आपने इसकी इसको फुल कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने
26 पर आपने बिल्कुल उसी तरह लाइंस ड्रॉ करवा कर मामा से, या खुद भी आप कर सकते हैं इसकी भी, बल्कि आप प्रैक्टिस करें लाइन लगाने की। उसके बाद आप यहाँ पर सी खा कैट और खाओ, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये फिर इस तरह से 26 पे भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।